बहुत अच्छी चाय बनी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों, दोस्तों, प्यारों, कैसे हो सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के व्लॉग में हम क्या करने लगे हैं, हम जाने लगे हैं क्वेटा कैफ़े। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ क्यों आया था और कहाँ आया था। ये जी देख लें, होली फैमिली हॉस्पिटल है। एक ज़माने में, एक साल पहले, इतने भी दूर की बात नहीं है, यहाँ पे मैं हाउस जॉब की थी, मैंने ट्रेनिंग की थी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज एक पेशेंट था, उसको ले गया था, तो उसको सेट शेट करके उसके बाद मैंने सोचा यार नाश्ता किया जाए, क्योंकि सुबह सवेरे के निकले हुए, आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, रश बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वेटा कैफ़े का नाम मैंने सुना हुआ है कि भाई वहाँ के पराठे और ये चीज़ें बड़ी मशहूर है ना, तो सोचा क्यों ना आज वहाँ जाके उनके पराठे भी ट्राई करते हैं और उनकी अमेजिंग चाय दूध वाली, क्या ही बात है उसकी, मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। वैसे एक दफ़ा मैं ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन आज ज़रा डिटेल में जाएंगे और जाके वहाँ देखते हैं क्या होता है। अभी हम जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं मेरे ख्याल में, हाँ कमर्शियल मार्केट होगा सबसे अच्छा होगा, और ये रास्ता भी जाएगा कमर्शियल मार्केट की तरफ। और इस टाइम हम हैं सैटेलाइट टाउन, जो कि रावलपिंडी में, आपने नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर जगह है, काफ़ी एक्सपेंसिव जगह भी है। तो कमर्शियल मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे क्वेटा कैफ़े देखेंगे एंड एंजॉय करेंगे फिर। लेट्स गो। अच्छा, अभी हम कमर्शियल मार्केट इंटर हो चुके हैं, सुबह का टाइम है और आई थिंक कमर्शियल मार्केट जो है ना वो सुबह सुबह ओपन नहीं होती, मेरा जितना ख्याल है। तो जो कमर्शियल मार्केट की हरियाली जो है ना वो रात को ही होती है भाई, क्योंकि यहाँ पे दुकानें, बिल्डिंगें जितनी भी हैं, जो भी है होटलिंग वगैरह सब कुछ, वो सुबह को ही होता है। और अभी आगे जाएंगे मेन सेंटर की तरफ कि वहाँ हमें क्या मिलता है देखने को। वैसे यहाँ पे ना रात को ही आना चाहिए बंदे को, क्योंकि ये जगहें अमूमन रात को खुलती हैं, तो बेस्ट है रात को बंदा एंजॉय करे। बहरहाल अभी तो हमारी तो मजबूरी थी, खैर हम तो हॉस्पिटल के लिए आए थे, अब तो नाश्ता वाश्ता भी करना है ना। अच्छा जी, अभी हम पहुँच गए हैं क्वेटा कैफ़े, वो सामने ही है, अभी आपको दिखा देते हैं वो सामने, वहाँ पर चलते हैं ट्राई करते हैं फिर। लेट्स गो। इसको ट्राई करते हैं, ये पॉपुलेट है। डबल बहुत आला आलू बनाना, बहुत आला, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। अच्छा, इनके पराठे की बात बताऊँ ना, कोई ऑयल नहीं है ज़्यादा, बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल ब्राउन है, ना ऑयली ज़्यादा नहीं होता, तो बंदा सुकून से खा लेता है। आप इसको देखें, ना ऑयल ज़्यादा है, चीज़ है अंदर, आलू है, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका चीज़। और ये चाय भी आ गई है, ये मिल्क टी और ये कावा इनका, ये दोनों बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये भी टेस्ट करके भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। बुलबुले देखें, हाँ ज़बरदस्त स्मेल से ही पता लग रही है कि चाय बहुत आ रहा है, ऐसे लग रहा है ना दूध में घुल के। चले जी, नाश्ता करके आ गए हैं अभी हम, अभी एक और काम है मेरा यहाँ पे पिंडी ख्याबान में, उसकी तरफ जा रहा हूँ, वो निपटा के फिर मिलते हैं आपसे। अभी हम सैटेलाइट टाउन से जो है ना वो निकल आए हैं, और ये IJP रोड है, अभी IJP रोड की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में ही आगे जो है ना हमारे पास आता है, क्या नाम है, DHQ सेंटर है, पता नहीं कौन सा, भी जा के देखेंगे, हेल्थ सेंटर, वहाँ पे मेरे काम है, कार्ड बनवाना था, ये देखें। और ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये जनाब पहले ऐसे नहीं था, इतना कोई गंदा रोड था, टूटा फूटा सा रोड था, घंटों लग जाते थे यहाँ पर खड़े रहते थे हम,
अभी तो बड़ा शानदार बना है, साथ में ये होटल्स भी हैं, बिल्डिंग्स भी बन गई हैं, और आगे जो है ना बड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा ब्रिज भी इन्होंने बनाया हुआ है, और रास्ता बहुत खूबसूरत हो गया अभी। अच्छा गाइज, ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये होली फैमिली हॉस्पिटल का रास्ता इधर से जाता है, ठीक है। ये सामने बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा ना, वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये सेटेलाइट टाउन है, बहुत मशहूर टाउन है, एक्सपेंसिव है बहुत ये जगह है, और ये IJP रोड पर है, ठीक है। बैक साइड पे आप जाएंगे तो फैज़ाबाद की तरफ चले जाएंगे, और ये स्ट्रेट उसकी तरफ आएंगे तो आप ये सीधा टेक्सला वॉक एंड की तरफ जो है ना ये रास्ता निकलता है, और ये इधर ही इसकी तरफ मोड़ आ जाता है, यहाँ पे आपने मुड़ जाना है। अगर आपने सैटेलाइट टाउन जाना है तो सैटेलाइट टाउन जाएं भाई, क्योंकि उधर ही होली फैमिली हॉस्पिटल है ना, एक टिकट में दो दो मजे भाई। लो जी, हम पहुँच आए ख्याबान सर सैद, और ये क्या है जी, दरबार मोड़ा शरीफ, ठीक है जी। और ये अभी हम मुड़ रहे हैं, चलो जी मुड़ गए जी, मुड़ गए मुड़ गए मुड़ गए मुड़ गए मुड़ गए। और रिक्शे वाले क्या हाल करें। अच्छा अभी उधर जाएंगे सेंटर में, वहाँ पे कार्ड बनाएंगे, और वो जी कार्ड का मैं बताता चलूँ, चलो आपसे भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। ये मैं असल में ना पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड बना रहा हूँ, ठीक है, और ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ना अब्रॉड जाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ये छोटे मोटे, पहले तो कोविड का नहीं था, अब कोविड का भी मांगते हैं तो, लेकिन पोलियो का तो शुरू से चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि भाई आप यहाँ पे आएंगे यहाँ बनेगा, मैं प्रोसीजर देखूँगा वो कैसे बनाते हैं, क्या क्या चाहिए, आपके साथ भी शेयर करूँगा, लेट्स गो। अच्छा ये अभी हम पहुँच जाए ना जहाँ पे पोलियो सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, ये मस्जिद के सामने ही ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के नाम से है, ठीक है। लो जी हो गया, अभी ये ना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है डिवीजन, इधर ही बनता है। अगर आप में से किसी ने भी बनवाना हो तो यहाँ पे आना है, वो सिर्फ एक वैक्सीन जो है ना वो डालते हैं मुंह में, उसके बाद 4 घंटे बाद आपका जो है ना सर्टिफिकेट निकल आएगा, तो वो मैं जब निकालूंगा तो वो मैं जब, फिर 4-1 घंटे बाद आप किसी भी नैथ्रो ऑफिस से निकाल सकते हैं।